जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ के गांव सरावनी में शुक्रवार की रात को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक गौकश घायल हो गया। पुलिस ने घायल सहित दो गौकशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके तीन साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 3 क्विंटल गौमांस, 1 तमंचा, कारतूस, गौवध में इस्तेमाल औजार बरामद किए हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी एसएन वैभव पांडे ने बताया कि एक सूचना पर पुलिस ने गांव सरावनी के जंगल में गौवध में लिप्त बदमाशों को जा घेरा। पुलिस को देखते ही गौवध में लिप्त बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई। इस सशस्त्र मुठभेड़ के दौरान एक गौकश घायल हो गया। पुलिस ने घायल सहित 2 गौकशों को धर दबोचा, जबकि अन्य साथी फरार हो गए। बाबूगढ़ पुलिस को ग्राम सरावनी में गौकशी की सूचना प्राप्त हुई। जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जहां पर गौकशों द्वारा गिरफ्तारी से बचने हेतु पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ एवं कर्तव्य पालनार्थ मुठभेड़ में 2 गौकशों को गिरफ्तार किया गया। इनके अन्य साथी भागने में सफल हुए। गिरफ्तार अपराधियों में एक घायल है, जिसको मेडिकल उपचार हेतु भेज दिया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई करी जा रही है। गाँव अजराड़ा का सिराज घायल हुआ है, जबकि दूसरा आरोपी नजर इलाही है। पुलिस बाकी 3 आरोपियों की तलाश कर रही है। इनके नाम कयूम, मोमीन और अनीस हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो गौवध करने से उन्हें जो धन प्राप्त होता है, उससे वो अपनी जरूरतें पूरा करते हैं।